एक था यूट्यूब क्लासिक, यूट्यूब स्टूडियो क्लासिक, और एक तरफ अभी आया है इधर यूट्यूब स्टूडियो बीटा। सो इस दोनों में अंतर क्या है एंड आपको यूट्यूब स्टूडियो बीटा क्यों यूज़ करना चाहिए उसके लिए मैं बताऊंगा एंड आप कैसे यूज़ कर सकते हैं उसका भी मैं ट्यूटोरियल दिखाऊंगा। सो यूट्यूब स्टूडियो क्लासिक मैंने काफ़ी दिनों से यूज़ किया, मैं यूट्यूब स्टूडियो बीटा अभी रिसेंटली आया हुआ है। मैं इधर यूट्यूब स्टूडियो बीटा पे शिफ्ट हो गया हूँ टोटली। एंड आने वाले जो आप क्रिएटर्स होंगे या आने वाले जो भी यूट्यूब चैनल बनाओगे तो यूट्यूब क्लासिक स्टूडियो अब नहीं रहेगा, उसका डिफ़ॉल्ट यूट्यूब स्टूडियो बीटा ही रहेगा। एज़ मैन हम लोगों ने ऑलरेडी यूट्यूब स्टूडियो क्लासिक यूज़ कर चुका हम लोग। हम लोगों पास अभी भी ऑप्शन है कि यूट्यूब क्लासिक पे जाके मैं हम लोग फिर यूट्यूब क्लासिक यूज़ करूँ, लेकिन धीरे धीरे यूट्यूब क्लासिक यूट्यूब से हट जाएगा, राइट। यूट्यूब स्टूडियो क्लासिक और यूट्यूब स्टूडियो बीटा का डिफरेंस यही है कि यूट्यूब स्टूडियो बीटा का जो यूज़र इंटरफेस है वो काफ़ी काफ़ी ईजी है, बहुत सरल है, कोई भी यूज़ कर सकता है एंड कोई भी समझ सकता है। लेकिन क्लासिक पे क्या होता था, स्पेसिफिकली मैं अगर एनालिटिक्स पोर्शन का बात करूँ तो क्लासिक पे क्या होता, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। इतना ईजी नहीं होता था समझने के लिए कि वीडियोज़ कैसे परफॉर्म कर रही है, क्योंकि ग्राफ्स और चार्ट इस तरह से रहता था कि इतना अच्छे से समझ में हम लोगों को नहीं आया। वहाँ का जो क्लासिक का जो इंटरफेस था वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस इतना यूज़र फ्रेंडली नहीं था। अब यूट्यूब स्टूडियो बीटा आ चुका है इसलिए मैं बोल रहा हूँ यूज़र फ्रेंडली नहीं था, लेकिन वो भी अच्छा था। लेकिन यूट्यूब स्टूडियो बीटा इज़ फार फार बेटर देन यूट्यूब स्टूडियो क्लासिक। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ का इंटरफेस काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी इजी है, यूज़र इंटरफेस काफ़ी इजी है, आप इजी से नेविगेट कर पाओगे। एंड जो एनालिटिक्स है वो काफ़ी डेप्थ दे चुका है एंड इजी टू अंडरस्टैंड, मतलब आप कोई भी समझ सकता है एंड इजीली समझ सकते हो आप। एंड उस एनालिटिक्स से मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि आप अपने वीडियो का परफॉर्मेंस भी समझ सकते हो कि किस तरह का वीडियो आपका ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। और काफ़ी सारे फीचर्स इसमें इंक्लूड किया गया है, जैसे अपलोड जो फीचर्स हो अभी है वो नया इंटरफेस दिया गया है और भी इजी कर चुका है, एक ही जगह पे सब कुछ डाल दिया कि आप एक जगह से सब कुछ अब वीडियो के जब जब पब्लिश करोगे या अपलोड करोगे तो आपको सुविधा दे चुका है, दिया हुआ है कि और भी ज़्यादा स्मूथली हो। फिर काफ़ी सारे न्यू अपडेट्स हो रहा है जो कि मैं आपको देने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियोज़ पे, कुछ भी अपडेट्स आएगा तो। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आपको जो जो चेंजेस हुआ है मैं ट्यूटोरियल में दिखाऊँगा, तो चलिए आप इसी में हम जाते हैं। तो YouTube स्टूडियो बीटा में अगर आप जाना चाहते हो तो यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा, देन यू कैन सी हियर YouTube स्टूडियो एंड देन यू कैन क्लिक ऑन इट, तो आपका YouTube स्टूडियो बीटा आ जाएगा, राइट। कुछ इस तरह से आपका डैशबोर्ड दिखेगा। तो यहाँ से आपका जो लेटेस्ट अपलोड है उसका एनालिटिक्स आप डायरेक्टली जाकर देख सकते हो या कॉमेंट जाकर डायरेक्टली देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर कुछ न्यूज़ रहता है कि कुछ अगर लेटेस्ट न्यूज़ आता है या नहीं आता है, यहाँ पर आपको समरी मिल जाएगा। और यहाँ पर टॉप वीडियोस लास्ट 48 आवर्स में जो जो टॉप वीडियोस आपका रहा है वो यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा, राइट। उसके बाद आप यहाँ पर आपको यहाँ पर जो रिसेंट सब्सक्राइबर है वो आप देख पाएंगे, लास्ट 28 डेज का जो रिसेंट सब्सक्राइबर है उसको आप देख पाएंगे, जैसे AYC ऑलराउंडर, शशि रंजन, विकास मंगटे। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको भी पता चल जाएगा ये सब्सक्राइबर जो है ये मेरे लेटेस्ट सब्सक्राइबर है, राइट। उसके बाद आप यहाँ पर मिल जाएगा फर्स्ट न्यू इन द स्टूडियो, न्यू आइकन्स, प्ले HDN 4K वीडियो। अगर 4K एन HD वीडियो रहा तो आपका यूट्यूब वीडियो के नीचे आ जाएगा, दिखाएगा कि वो HD है या 4K वीडियो है। फिर स्टूडियो अपडेट्स के बारे में यहाँ पर अगर आप जानना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके आप जा सकते हो। ऑल चैनल सेटिंग इन वन प्लेस, जो जितना भी चैनल सेटिंग है अगर आप क्लिक करते हो तो एक जगह आ जाएगा, राइट। ये एक डैशबोर्ड है। मैंने आपको पहले भी बताया ऑन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो कि यूट्यूब स्टूडियो बीटा काफ़ी बेहतर किया गया है, काफ़ी एफिशियंट किया गया है एंड जो YouTube स्टूडियो क्लासिक है उससे काफ़ी बेहतर किया गया है एंड काफ़ी इजी टू यूज़ किया गया है। जितना दिन जाएगा उतना इम्प्रूवमेंट होते जाएगा ये स्टूडियो बीटा, राइट। यहाँ पर उसके बाद क्रिएटर इंसाइडर एक चैनल है जहाँ पर आपको YouTube का जितना भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, राइट। और यहाँ पर आइडियाज़ फॉर यू,
कुछ भी आइडियाज़ आपको यहाँ पर यूट्यूब से मिलेगा। उसके बाद आप यहाँ पर वीडियोस पे जा सकते हो। वीडियोस पे जाने के बाद आपको आपका जो वीडियोस है सब आप देख पाओगे यहाँ पर, जितना भी वीडियोस है, राइट, जितना भी आपने अपलोड किया है सारे वीडियोस आप यहाँ से देख पाओगे। ओके, सारे वीडियोस आप यहाँ से देख पाओगे। तो ये हो गया वीडियो सेक्शन, जहाँ पर आप सारे वीडियोस जो है वो देख सकते हो। एंड मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कुछ फीचर्स, जैसे फिल्टर वीडियो, यहाँ पर जैसे वीडियो है, राइट। सो यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हो तो पहला लिस्ट पे जो है, जैसे 30 वीडियोस है, मतलब फर्स्ट पेज पे, या आप जितना भी देखना चाहते हैं वीडियो, सपोज यहाँ पर जैसे 30 वीडियोस आप देखना चाहते हैं या 50 वीडियोस है, 50 अगर आप क्लिक करोगे तो 50 वीडियोस लिस्ट डाउन होके आ जाएगा। ओके, सो आप क्या कर सकते हो, अगर आप सपोज वीडियो अगर यहाँ पर आप क्लिक करते हो ना, आप चाहते हो कि एडिट करना चाहते हो, या सब वीडियो का टाइटल डिस्क्रिप्शन एक ही सेम करना चाहते हो, या डिस्क्रिप्शन सेम करना चाहते हो, या कुछ भी आप करना चाहते हो, तो यहाँ से आप कर सकते हो, राइट। उसके बाद आप अगर ये जैसे मैंने सिलेक्ट ऑल किया वीडियो, राइट, सो यहाँ पर आप प्लेलिस्ट पे, जैसे कोई भी प्लेलिस्ट पे आप ऐड कर सकते हो उसको। ओके, ठीक है, तो इस तरह से आप फिर मोर एक्शन जो है, सपोज अगर मोर एक्शन पे आप जाते हो, तो अगर आप डिलीट फॉरएवर करते हो तो ये सारे वीडियो जो है सब के सब डिलीट हो जाएंगे, सब के सब डिलीट हो जाएंगे वीडियो। तो इस तरह से आप कर सकते हो आपका जो मन लगे वीडियो के साथ। उसके बाद अगर आप सिलेक्टेड कोई एक पर्टिकुलर वीडियो को चेंज करना चाहते हो, तो पर्टिकुलर वीडियो को क्लिक करके उसके बाद आपको एडिट पे जाके जो आप करना चाहते हो, टाइटल डिस्क्रिप्शन जो आप चेंज करना चाहते हो, आप कुछ भी कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। उसके बाद आप अगर प्लेलिस्ट चेंज करना चाहते हो तो प्लेलिस्ट ऐड टू प्लेलिस्ट करना चाहते हो तो ऐड टू प्लेलिस्ट पे आप कर सकते हो। ओके, और मोर एक्शन में जाके आप यहाँ पर डिलीट भी कर सकते हो। तो इस तरह से आप ये सब सारे चीज़ें कर सकते हो। तो ये मैंने एडिट का सिर्फ पोर्शन दिखाया, और भी आप काफ़ी सारी चीज़ कर सकते हो। सपोज अगर आप वीडियो को, ओनली वीडियो को अगर आप क्लिक करते हो, राइट, सो लेट सपोज कोई एक वीडियो लेता हूँ मैं, कोई भी एक वीडियो लेता हूँ मैं, राइट। सो इस पे फॉर एग्जाम्पल पे अगर क्लिक करते हो तो वीडियो डिटेल सारा आपका आ जाएगा। ओके, तो ये वीडियो डिटेल्स आपके पास आ जाएगा, आपका जो जो एडिट किया आपने, राइट। सो कुछ भी अगर आप चेंज करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर वीडियो लिंक, उसके बाद फाइल नेम, पब्लिक, कौन सा प्लेलिस्ट पे है, कार्ड्स दिया हुआ यानी एंड स्क्रीन आप देना चाहते हैं कि फिर से एडिट करके देना चाहते हैं कि नहीं, सब कुछ आप यहाँ से कर सकते हो। ओके, उसके बाद यहाँ पर अपना टैग्स भी आप देख सकते हो, जितना भी टैग है आप वो सब देख सकते हो। ओके, तो उसके बाद आप मोर ऑप्शन पे भी जा सकते हो। मोर ऑप्शन में जाने के बाद आप यहाँ पर कुछ अगर सेटिंग चेंज करना चाहते हो तो सेटिंग आप चेंज कर सकते हो। तो इस तरह से आप काफ़ी कुछ कर सकते हो। अगर एनालिटिक्स पे आप जाते हो तो एनालिटिक्स भी आप इस पर्टिकुलर वीडियो का एनालिटिक्स भी आपको दिखाएगा किस तरह से आपका वीडियो परफॉर्मेंस करे, एंड आप इस एनालिटिक्स का एनालाइज भी कर सकते हैं कि आपका वीडियो कैसे परफॉर्म कर रहा, एंड आने वाले वीडियोस पे आप उस कुछ इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। सब कुछ एनालिटिक्स से आपको एसेस करना पड़ेगा कि आपका रीच कहाँ तक जा रहा है, एंगेजमेंट कहाँ तक हो रहा है, कैसे एंगेजमेंट हो रहा है आपके वीडियो पे, या फिर कौन सा मेल या फीमेल ज़्यादा देख रहा है, कौन से एज ग्रुप का ज़्यादा देख रहा है आपका वीडियो, ये सब कुछ आप देखने को आपको मिल जाएगा वीडियो एनालिटिक्स पर, राइट। देखिए यहाँ पर जैसे इस वीडियो पे कितना सब्सक्राइबर गेन किया है वो भी आपको बता देगा, जैसे 18 सब्सक्राइबर गेन किया है, व्यूज़ कितना हुआ है, वॉच टाइम कितना हुआ है, सब कुछ आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। रीच कितना दूर तक गया है, तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि वीडियो का एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। पहले वीडियो देख अगर आप देखोगे, जब मैंने पहले अपलोड किया था 10 दिसंबर को 2019 का, गेस तो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, लेकिन धीरे 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 वीडियो जब देखने लगा, पहले देख इतना दूर तक
फिर यहाँ से देखो कैसे अचानक ये वॉच टाइम बढ़ने लगा और वीडियो एंगेजमेंट भी बढ़ने लगा, राइट। सो अगर वीडियो आपका अच्छा हो तो अगर आपका वीडियो किसी के पास रीच होता है, किसी ना किसी के पास रीच ज़रूर होगा, तो वीडियो अगर अच्छा होता है तो ज़रूर आपका ऑडियंस देखेगा, राइट। एंड ऑडियंस अगर वीडियो अच्छे से देखता है, पूरा देखता है, एंगेजमेंट अगर होता है, तो आपका वीडियो ऑटोमेटिक आपका वीडियो वो पॉपुलर हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो एनालिटिक्स पे 9 दिसंबर से अप टू 9 दिसंबर टू 13 जुलाई वीडियो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ से सीढ़ी पकड़ा है वीडियो एंड कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, देखिए ये सीढ़ी ऊपर ही जा रहा है वीडियो। सो मैं एक पर्टिकुलर वीडियो पकड़ के मैं बोल रहा हूँ, ऐसे और भी काफ़ी सारे वीडियोस है जो मेरा अच्छा परफॉर्म करता है। तो मैं जब नोटिस किया वीडियोस को, तो वीडियोस रही सही में एज़ कम्पेयर टू अदर, मैं अपने वीडियोस को क्रिटिसाइज नहीं करूँगा, बट एज़ कम्पेयर टू अदर ये सब ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। सो ऑडियंस क्या करता है, ये सब वीडियोस ज़्यादा देखता है जो इंफॉर्मेटिव है, एंड और भी काफ़ी सारे वीडियोस है जो कि ऑडियंस काफ़ी पसंद करती है, राइट। सो ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो जितना आप डालोगे, जितना आप अगर कोई वीडियो आपका देख के कोई कुछ सीखता है या कुछ जानता है, तो डेफिनेटली वो वीडियो वो शेयर करेगा, कोई कुछ भी चीज़ वो डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेगा, राइट। सो इस तरह से आप एनालिटिक्स को एनालाइज कीजिए कि कैसे वीडियो परफॉर्मेंस कर रहा है, एंड उस वीडियो के ऊपर अगर कोई वीडियो आपका परफॉर्म कर रही है, तो उस वीडियो को और भी अच्छे से उसको देखिए कि ज़्यादा किस वीडियो, कौन सा वीडियोस आपके यूट्यूब चैनल पे ज़्यादा आई मीन ग्रो हो रहा है या ज़्यादा व्यूज आता है, एंगेजमेंट आता है, राइट। यहाँ से रीच आप देख सकते हैं, तो इम्प्रेशन 15.2 के हुआ है, क्लिक थ्रू रेट 5.8%, क्लिक थ्रू रेट ठीक ही है, अच्छा है, क्लिक थ्रू रेट खराब कुछ नहीं है। सो क्लिक थ्रू रेट 5.8% मतलब बहुत ठीक ही है, अच्छा है। अगर 2 के नीचे अगर क्लिक थ्रू रेट रहता है या 1 या 2, तो क्लिक थ्रू रेट वो अच्छा माना नहीं जाता है, 2-3 के ऊपर क्लिक थ्रू रेट अच्छा माना जाता है। क्लिक थ्रू रेट मतलब इम्प्रेशन डिवाइडेड बाय आपका जो नंबर ऑफ व्यूज जो होता है, उसको हम लोग क्लिक थ्रू इम्प्रेशन बाय व्यूज। उसके बाद एंगेजमेंट अगर अगर टैब में हम लोग जाते हैं, तो हम लोग देखेंगे एवरेज व्यू ड्यूरेशन 3.04, एवरेज जो व्यू ड्यूरेशन है वो भी ठीक ठाक है, काफ़ी ख़राब भी नहीं है और काफ़ी अच्छा भी नहीं है, इससे ज़्यादा आप इम्प्रूव कर सकते हैं। 50-60% आपको मिनिमम, जैसे ये 8 मिनट 36 का वीडियो है, सो आपको मानना, आपको ऐसे वीडियो बनाना पड़ेगा कि मिनिमम जो एवरेज व्यू ड्यूरेशन हो वो कम से कम 5 मिनट या 4.5 मिनट का होगा, अगर 5 मिनट का रहता है तो 3 मिनट का हो। तो हर वक्त कोशिश कीजिएगा कि आपका वीडियो एंगेजमेंट थोड़ा अच्छा हो, एंगेजमेंट होने से ऑटोमेटिक व्यूज़ या रीच बढ़ता है, राइट। तो यहाँ पर ऑडियंस स्टेप पर अगर आप जाओगे, तो ऑडियंस स्टेप पर जाने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ऑडियंस स्टेप पर आपको देखने को जो नॉन सब्सक्राइबर है वो ज़्यादा इस पे वॉच टाइम दिया है मेरे को, और जो सब्सक्राइबर है वो कम दिया है, राइट। सो इस तरह से आप काफ़ी कुछ एनालाइज कर सकते हैं। टॉप कंट्रीज यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे इंडिया में ही देखा जाता है वीडियो ज़्यादातर। और आप अगर पूरा, ये तो मैं एक पर्टिकुलर वीडियो का दिखा रहा हूँ, मैं पूरा जितना भी पूरा चैनल का एनालिटिक्स भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो अगर आप हम लोग जेंडर में जाते हैं, सो उसके बाद अगर हम लोग, मैंने जैसे वीडियोस पे जाकर दिखाया एक पर्टिकुलर वीडियोस का, राइट। उसके बाद हम लोग अगर आप एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर वीडियो का अगर आप एनालिटिक्स देखना चाहते हो, तो मैंने आपको दिखाया वीडियो पे, सिंपली आप वीडियोस पे आपको जाना पड़ेगा। वीडियोस पे जाने के बाद आपको सिंपली वीडियो पे क्लिक करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर है एनालिटिक्स, आप देख सकते हो। कोई भी वीडियो पे अगर आप स्क्रॉल डाउन आपका कर्सर लेके जाओगे, तो आप यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पर आपको डिटेल्स अगर लेना चाहते हो तो डिटेल्स मिलेगा, यहाँ पर अगर जाते हो तो आपको एनालिटिक्स मिलेगा, यहाँ पर अगर जाते हो तो आपको कॉमेंट सेक्शन मिलेगा, राइट। सो कॉमेंट्स कॉमेंट आपको सेक्शन, या अगर आप क्लिक करते हो तो जितना भी कमेंट है आपका वीडियो का वो आ जाएगा।
तो इस तरह से आप अपने एक पर्टिकुलर वीडियो का अगर कमेंट या एडिट या एनालिटिक्स देखने चाहते हो तो वीडियोस पे जाके, वीडियोस पे क्लिक करके आपको यहाँ पर सिंपली जाना है, राइट। उसके बाद अगर प्लेलिस्ट आप ऐड करना चाहते हो या प्लेलिस्ट आप देखना चाहते हो कितना प्लेलिस्ट है आपका यूट्यूब चैनल पे, वो भी आप कर सकते हो, राइट। डिलीट भी कर सकते हो कोई भी प्लेलिस्ट है, सब कुछ ये सारे मेरे प्लेलिस्ट है जिसमें मैं वीडियो डालता हूँ। तो अगर आप एडिट प्लेलिस्ट करते हो तो आप ये प्लेलिस्ट भी देख सकते हो, राइट। सो ब्लॉगिंग ब्लॉगर्स टूल, तो इसमें जैसे मैंने सब एपिसोड 1 एपिसोड 3 करके देता हूँ, तो ये सब मेरे को एडिट करना पड़ेगा, राइट। तो इस तरह से आप प्लेलिस्ट, आपका प्लेलिस्ट पे भी आप जाके देख सकते हो क्या क्या है नहीं है, राइट। फिर आप यहाँ पर एडिट भी कर सकते हो, जैसे ब्लॉगर्स टूल नहीं ब्लॉगिंग टूल्स में करूँगा, ब्लॉगिंग तो इस तरह से आप प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो ये तो हो गया प्लेलिस्ट के बारे पे। और उसके बाद हम लोग जाएंगे एनालिटिक्स, जैसे मैंने बोला था आपको चैनल एनालिटिक्स हम लोग देखेंगे। तो चैनल एनालिटिक्स पर अगर आप देखना चाहते हो पूरा चैनल का, तो डायरेक्टली आपको यहाँ पर एनालिटिक्स पर आना पड़ेगा। अब देखो ये चैनल एनालिटिक्स आप देख सकते हो यहाँ पर कर्सर जैसे मैं हिला रहा हूँ यहाँ पर, चैनल एनालिटिक्स, इसमें आपका पूरा चैनल का एनालिटिक्स आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो जैसे यहाँ पर व्यूज आप देख सकते हो, वॉच टाइम आप देख सकते हो, सब्सक्राइबर कितना गेन हुआ है, सारे कुछ आप देख सकते हो, लेटेस्ट वीडियो जो अपलोड किया था मैंने, टॉप वीडियो जो परफॉर्म करी है, ठीक है। इस तरह से आप चैनल एनालिटिक्स भी देख सकते हो, योर टॉप वीडियोस इन दिस पीरियड, जो टॉप वीडियोस है वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। जैसे मैं आपको बता रहा था ना कि हर वक्त आप कोशिश करो कि 50 के एवव में, आपका कोशिश इन द सेंस आपका हाथ पे तो नहीं है, ये ऑडियंस का हाथ पे है, बट इफ़ यू गिव योर बेस्ट, इफ़ यू पुट सम एंगेजमेंट मटेरियल इन टू योर वीडियो, अगर आप कोई एंगेजमेंट मटेरियल डालते हो वीडियोस पे तो डेफिनेटली आपका एंगेजमेंट हो जाएगा। शादी वाला एंगेजमेंट नहीं, मतलब यूट्यूब वीडियो में एंगेजमेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो व्हाट इज स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस, इसका आप एंगेजमेंट कितना काफ़ी बढ़िया है आप देख सकते हो, 58.8 मतलब ऑलमोस्ट 60% जो मैं आपको बता रहा था। फिर आप ये भी एंगेजमेंट देख सकते हो 41.5, ये भी ठीक है 40%, बट 50% के अबव जो है वो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, राइट। तो ये मैं लास्ट 28 डेज का आपको दिखा रहा हूँ। अब इस अगर आप साथ लास्ट 7 डेज का अगर आप देखना चाहते हो एनालिटिक्स, तो लास्ट 7 डेज का देखना चाहते हो, लाइफ टाइम का देख पाओगे, लास्ट 90 डेज का देख पाओगे, जिस तरह से आप चाहते हो ईयर वाइज देख पाओगे। उसके बाद जैसे वीडियोस पर मैंने दिखाया रीच, रीच में अगर आप जाओगे तो आपको यहाँ पर देखो 25K इम्प्रेशन और क्लिक थ्रू रेट देखिए कितना बढ़िया है, 7%, राइट। यूनिक व्यूअर्स मतलब जो वीडियो यूनिक व्यूअर्स है वो जिसने देखा है उसका आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। एंगेजमेंट, सो एंगेजमेंट मोटा मोटी ठीक ठाक है, अच्छा ही है, खराब नहीं बोलूँगा मैं। और यहाँ पर ऑडियंस को भी अपने आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो कि सब्सक्राइबर हु टर्न्ड ऑन ऑल नोटिफिकेशन फॉर योर चैनल, तो 352 यहाँ पर आप देख सकते हो 39% ऐसे जो सब्सक्राइबर मेरा है, जो मेरे बेल नोटिफिकेशन ने क्लिक किया वो सारे नोटिफिकेशन लेना चाहते हैं, इसलिए 39% किया हुआ है। और सब्सक्राइबर हु टर्न्ड ऑल नोटिफिकेशन फॉर योर चैनल एनेबल यूट्यूब नोटिफिकेशन 22.8%। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि 18 से 24 इयर्स का एज व्यू का ज़्यादा वीडियोस मेरा देखता है, 100% ऑलमोस्ट 100% 18 टू 24 इयर्स एज का है, राइट। लास्ट 28 डेज का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप काफ़ी कुछ एनालाइज कर सकते हो, ठीक है।
तो इस तरह से आप देख सकते हो जैसे मैंने बताया आपको एनालिटिक्स। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप और भी डिटेल एनालिटिक्स चाहते हो तो यहाँ पर आप एंगेजमेंट टैब पर जाइए। एंगेजमेंट टैब के जाने के बाद यहाँ पर सी मोर कीजिए। सी मोर करने के बाद आपको और भी इन डिटेल एनालिटिक्स में मिल जाएगा। आपको देख सकते हैं आप यहाँ पर इन डिटेल्स एनालिटिक्स, वॉच टाइम, व्यूज कितना है, एवरेज व्यू ड्यूरेशन, एक वीडियो का एवरेज व्यू ड्यूरेशन कितना हो रहा है, लाइक्स वर्सेस डिसलाइक्स, शेयर्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है वीडियोस का। तो लाइक ऑलमोस्ट देखिए ऑलमोस्ट काफ़ी सारे वीडियोस पे मोर देन 80% लाइक्स है, 100% लाइक्स है। सो एवरेज व्यू ड्यूरेशन कुछ कुछ वीडियो पे अच्छा है, शेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उस सब चीज़ आपको देखने को मिलेगा, राइट। उसके बाद आप ट्रैफिक सोर्स भी आप देख सकते हो यहाँ पर कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है आपके वीडियोस पे। ओके, यहाँ पर आप लाइन चार्ट भी चेंज कर सकते हो। अगर आप दूसरा कुछ बार चार्ट चाहते हो तो यहाँ पर बार चार्ट आ जाएगा। अगर आप लाइन चार्ट ज़्यादा पसंद करते हो तो लाइन चार्ट आ जाएगा, जो जो आपको सुविधा लगे। तो ये और भी काफ़ी टिपिकल था अगर यूट्यूब क्रिएटर स्टूडियो के बारे में, यूट्यूब जो क्लासिक स्टूडियो था वो और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन इसमें ज़्यादा इजी बनाया है। और भी जो जितना दिन जाएगा यूट्यूब स्टूडियो अपडेट होगा और भी इसमें इम्प्रूवमेंट होते रहेगा, राइट। तो यहाँ पर जैसे ट्रैफिक सोर्स है, फिर जियोग्राफी, यहाँ पर आप देखोगे एक चीज़ नोटिस करोगे कि मेरा जितना वीडियोस है उसका ज़्यादा व्यूज़ मेरा यूट्यूब सर्च है लेकिन आता है। ये एक गुड न्यूज़ है मेरे लिए। जितना वीडियो सर्च आपको यूट्यूब सर्च से मिलेगा उतना ही अच्छा है, राइट। सजेस्टेड वीडियोस पे आप देखोगे तो 82% या सॉरी 4%, 82 लास्ट 28 डेज का मैं बता रहा हूँ आपको। तो यूट्यूब सर्च पे मेरा वीडियोस ज़्यादा मैं उसको व्यूज़ एंड सब्सक्राइबर यहीं से मिलता है। अगर आप एक चीज़ और नोटिस करोगे तो जो व्यूज़ है यूट्यूब सर्च से और वॉच टाइम जो जो है वो वॉच टाइम भी ज़्यादा मेरे को यहाँ से मिला है यूट्यूब सर्च से। एवरेज व्यू ड्यूरेशन भी अच्छा है। इम्प्रेशन क्लिक थ्रू रेट्स आप देखो 7.9% सबसे ज़्यादा। तो इस तरह से आपको ट्रैफिक सोर्स भी मिल जाएगा किस तरह से आपका ट्रैफिक सोर्स हो रहा है। फिर आप जियोग्राफी पे अगर जाओगे तो यहाँ पर आपको लास्ट 20 डेज का कुछ दिखा नहीं रहा है। फिर व्यूअर्स एज में जैसे मैंने बताया कि 18 to 24 में अगर आप जाओगे तो देखो 18 to 24 ऑलमोस्ट सब 100% है। ऑलमोस्ट 100% मेरा जो वीडियोस वॉच करता है वो 18 to 24 ईयर्स एज ऑफ का है। ये लास्ट 28 डेज का है। सो व्यूअर जेंडर अगर आप जाओगे तो आप देखोगे कि मेल जो है मेल सब्सक्राइबर या मेल व्यूअर्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। फीमेल 10% एंड मेल जो पर जो परसेंटेज है व्यूअर वो 90% है। तो सब्सक्रिप्शन स्टेटस पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको दिखाएगा व्यूज जो है वो ज़्यादा नॉन सब्सक्राइब से ज़्यादा मिला है एज़ कम्पेयर टू सब्सक्राइब। सो ये यहाँ से भी आपको काफ़ी और मोड पे जाओगे तो और भी काफ़ी कुछ सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम, सब्सक्रिप्शन सोर्स काफ़ी कुछ आपको मिल जाएगा यहाँ पर। तो अगर आप और भी डिटेल्ड पे चाहते हैं ये एनालिटिक्स को मैं और भी डिटेल्स पे समझाऊँ तो आप मेरे कमेंट सेक्शन पे जरूर डालिए, तो मैं और भी डिटेल पे, मैंने ऑलमोस्ट डिटेल पे समझाया लेकिन और भी अगर इन डेप्थ और भी चाहते हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन पे जरूर डालिए, मैं आपको फिर से वीडियो बना के सिर्फ एनालिटिक्स पार्ट में आपको दिखा दूंगा, राइट। उसके बाद अगर आप कमेंट सेक्शन पे जाओगे, कमेंट सेक्शन पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पर जितना भी आपका यूट्यूब चैनल का जितना भी कमेंट है वो आप यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा, जितना भी कमेंट है हर एक वीडियोस का, ठीक है। तो यहाँ से आप फिल्टर भी कर सकते हैं, सो कॉमेंट्स दैट हाई आई हैव नॉट रिप्लाई टू, जो आप कॉमेंट रिप्लाई नहीं किए हो अगर आप इसको क्लिक करते हो एंड गो करते हो तो वो सारे कमेंट्स आ जाएंगे। सपोज मैं करके दिखाता हूँ, सो मैं फिल्टर करके कमेंट्स को ऐसे लाऊंगा, यहाँ पर लिस्ट डाउन करेगा करूँगा जो मैंने रिप्लाई नहीं किया है, तो गो करूँगा। सो देखिए आप यहाँ पर ये सारे कमेंट्स हैं जिसको मैंने
अप्लाई जिसको मैंने रिप्लाई नहीं किया है, तो वो सब भी आपको दिखा देगा, जो जो आप वीडियो आप जो जो वीडियोस जो जो वीडियोस का कमेंट है जिसको आपने रिप्लाई नहीं दिया है, वो सब आपको यहाँ पर लिस्ट डाउन करके दिखा देगा। ओके, तो इस तरह से फिल्टर कर सकते हो दैट हैव रिप्लाईज विच नीड टू बी फॉलोड अप दैट कंटेंट से क्वेश्चन। अगर कोई भी कमेंट पे क्वेश्चन मार्क है तो वो कमेंट सिर्फ आपको यहाँ पर फिल्टर करके आप देख सकते हो, कोई भी कमेंट अगर है तो दैट कंटेंट लिंक्स, अगर कोई भी कमेंट पे लिंक्स है तो उसको भी फिल्टर करके देख सकते हो, ओनली कमेंट्स जिस पर लिंक है वो लिस्ट डाउन हो गया जाएगा। और भी काफ़ी सारे चीज़ यहाँ पर हैं। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो लाइकली स्पैम, सो स्पैम कमेंट्स भी काफ़ी होते हैं, तो कभी वो अप्रूव मत करना अपने चैनल पे, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सब्सक्राइब माय टेक्निकल चैनल लाइफ क्रेजी क्राफ्ट्स, इसमें ये जो कमेंट है ये पब्लिक नहीं है, ये अगर मैं अप्रूव करूँगा, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर मैं क्लिक करूँगा अप्रूव तो ये तब आप लोग, जैसे आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग ये कमेंट भी देख सकते हैं, ये कमेंट आप लोग नहीं देख सकते, ये कमेंट सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ। तो यहाँ से मैं अप्रूव कर सकता हूँ या डिलीट रिमूव कर सकता हूँ, फ्लैग कर सकता हूँ, रिपोर्ट स्पैम और अब्यूज़ कर सकता हूँ, या हाइड यूज़र फ्रॉम चैनल, इसको मैं अपना चैनल से हाइड कर सकता हूँ। इस ये जो 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 जिसने कमेंट किया ये मेरा वीडियोस वगैरह कुछ नहीं देख सकता, ये चारों ऑप्शन है आपके पास, आपके ऊपर पावर है, पावर का सही इस्तेमाल कीजिए। सो ये जैसे है ये लाइक मतलब यूट्यूब को लगा कि ये स्पैमी है तो यूट्यूब ने क्या किया, वो पब्लिक नहीं किया, तो ये अब यूट्यूब मेरे ऊपर छोड़ दिया कि मैं इसको अप्रूव करूँगा या नहीं करूँगा। ओके, तो इस तरह से आप कर सकते हैं हेल्प फॉर रिव्यू, अगर रिव्यू पे कुछ है हेल्प फॉर रिव्यू वो भी आप कर सकते हो। उसके बाद सबटाइटल, सब जब में अगर आप चाहते हो सबटाइटल्स पे, मोनिटाइजेशन पे अगर आप जाते हो तो यहाँ पर मोनिटाइजेशन, आपका यूट्यूब चैनल अगर आप मोनिटाइज करना चाहते हो तो ये स्टेप सब कर सकते हो। ओके, फिर अगर आप ऑडियो लाइब्रेरी पे जाते हो तो ऑडियो लाइब्रेरी पे आपको जितना भी रॉयल्टी फ्री कॉपीराइट फ्री जो सॉन्ग्स है या म्यूजिक है या ट्रैक्स है या साउंड इफेक्ट्स है यूट्यूब के तरफ से, अगर आप वीडियो पे आप अगर आप लगाना चाहते हो तो आप यहाँ से जाके लाइब्रेरी पे जाके आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो इस तरह से आप डाउनलोड भी कर, ये सारे म्यूजिक्स है फ्री म्यूजिक जो कि आप डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से, यहाँ पर आपको क्लिक करके यहाँ पर आप यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, साउंड इफेक्ट्स भी यहाँ से आपको मिल जाएंगे। तो फ्री म्यूजिक साउंड इफेक्ट्स टोटली कॉपीराइट फ्री और रॉयल्टी फ्री म्यूजिक है जो कि आप आराम से यूज़ कर सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल का वीडियोस पे एडिटिंग करने के वक्त, आप ये म्यूज़िक यूज़ कर सकते हैं। सो कोई आपको घबराने का ज़रूरत नहीं है कि आपको कॉपीराइट बैन मिल जाएगा, कुछ नहीं। सो ये यूट्यूब की तरफ से, ओके, सो ये भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपने वीडियो पे एडिट करके लगा सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे सेटिंग्स पे जाएंगे, कुछ सेटिंग्स मैं आपको दिखा देता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है। सो अगर आप जो जिस कंट्री पे आप रहते हैं उस कंट्री का करेंसी कर लीजिए यहाँ पर। ओके, उसके बाद अगर आप चैनल पे जाओगे, सो चैनल में जाने के बाद आपका चैनल जो है वो जिस कीवर्ड से रिलेवेंट होता है उस कीवर्ड्स को आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं ब्लॉगिंग रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग, एजुकेशन टेक, थोड़ा एफिलिएट मार्केटिंग, अर्न मनी, ये सब रिलेटेड मैं वीडियोस बनाते रहता हूँ। सो ये कीवर्ड्स मैंने यहाँ पर डाल दिया, सो आप भी डाल सकते हैं उस पर। फिर अगर आप यहाँ पर कस्टमाइज़ करना चाहते हैं चैनल को तो यहाँ पर कस्टमाइज़ चैनल करके आपको आपका यूट्यूब से रिडायरेक्ट होकर यहाँ पर आप चैनल का जो चैनल आर्ट है या यहाँ पर जो लोगो है या पर जो आइकन है सब कुछ आप लगा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। फीचर चैनल अगर आप यहाँ पर कुछ डालना चाहते हैं फीचर कोई भी दूसरा चैनल को तो यहाँ पर ऐड चैनल करके आप फीचर चैनल भी लगा सकते हैं यहाँ पर, राइट। अगर यहाँ पर कुछ सेक्शन ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। ओके, उसके बाद अगर एडवांस सेटिंग पर आप चाहोगे तो यहाँ पर आपको लिखा आई वॉन्ट टू रिव्यू दिस सेटिंग फॉर एवरी वीडियो। अगर आप ये कर देते हो नो, अगर आपका वीडियो कोई किड मतलब किड, अगर आप आपका वीडियो कोई मतलब जैसे होता है ना कि किडी वीडियो आपने बनाया है कि किड्स के लिए, ओके, सो
सो अगर किड्स के लिए आप वीडियो नहीं बनाते हो तो आपको ये क्लिक करना पड़ेगा नो सेट दिस चैनल एज नॉट मेड फॉर किड्स आई नेवर अपलोड कॉन्टेंट दैट मेड्स टू किड्स ओके अगर आप किड्स के लिए वीडियो बनाते हो तो आपको ये क्लिक करना पड़ेगा अगर आपका गूगल एड्स अकाउंट है तो आप उसको लिंक कर सकते हैं आप ठीक है इस तरह से आप अगर आप डिलीट योर हाइड चैनल करना चाहते हो तो यहाँ से आप डिलीट योर हाइड चैनल करना चाहते हो अगर यूट्यूब अकाउंट मैनेज यूट्यूब स्टेटस एंड फीचर्स एडवांस चैनल सेटिंग पर अगर आप चाहोगे तो यहाँ पर आपको सेटिंग्स का मिल जाएगा और भी सेटिंग्स जो जो है ओके सो यहाँ पर जैसे मैंने अपना जो ब्लॉग का वेबसाइट है वो भी मैंने डाला यहाँ पर आप देख सकते हो सक्सेस लिखा हुआ है अलाउ माई चैनल्स टू अपीयर इन अदर चैनल रिकमेंडेशन अगर आप ये क्लिक करते हो तो दूसरा किसी चैनल्स का बगल में आपका चैनल भी दिखाएगा ठीक है तो इस तरह से आप एडवांस सेटिंग में जाकर ये सेटिंग्स कर सकते हो उसके बाद ब्रांडिंग ये इम्पोर्टेंट है जैसे मैंने ये लोगो दिया हुआ है अपना ब्रांड का तो आप अपने जो यूट्यूब लोगो है वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं रिमूव रिप्लेस करके अगर रिमूव करना चाहते हैं रिमूव कर सकते हैं रिप्लेस करना चाहते हो रिप्लेस कर सकते हो एंड आपको डिस्प्ले टाइम अगर एंड ऑफ वीडियो पे देना चाहते हो ये लोगो दिखाना चाहते हो या शुरू में दिखाना चाहते हो या एंटर वीडियो पे तो मैंने एंटर वीडियो पे करके रखा तो ये जो लोगो है ये आपको पूरा वीडियोस पे मेरा देखने को मिलेगा ओके फिर अपलोड डिफॉल्ट पे अगर आप चाहोगे तो यहाँ पर जैसे डिस्क्रिप्शन बार बार मैं नहीं देता हूँ तो ये डिफॉल्ट पे जितना भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा ये जो डिस्क्रिप्शन है ये डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा मेरे को बार बार देने का ज़रूरत नहीं है सो आप एक काम कर सकते हैं आपका अगर आप चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन एक बना लीजिए अच्छा फॉर्मेट और यहाँ पर आपको आप पेस्ट कर दीजिए लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि जो भी वीडियोस है उसके लिए थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी लिखिए ये SEO पर्पज़ के लिए अच्छा होता है ओके सर्च के लिए आपका वीडियो सर्च पर आएगा तो ये था बेसिक फिर टाइटल तो आप सेम नहीं दे सकते हो क्योंकि वीडियोज तो आपका अलग होगा राइट फिर एडवांस पे अगर आप स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस देना चाहते हो या क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस देना चाहते हो तो ये आपके ऊपर डिपेंड है तो क्रिएटिव कॉमन स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस क्या है इसके बारे में मैंने बताया है आप यहाँ पर आइकन मिलेगा राइट कॉर्नर पे तो आप वहाँ से आप जाके देख सकते हो या नीचे मैं वीडियो सेक्शन वीडियो पे डाल दूंगा लिंक आप वो वीडियो भी देख सकते हो राइट आपके कैटेगरी तो एडुकेशन है एडुकेशन दे सकते हो जैसे मेरा एडुकेशन है तो मैंने एडुकेशन ही दिया वीडियो लैंग्वेज आप दे सकते हो कौन सा वीडियो लैंग्वेज पे आप वीडियो बनाते हो फिर कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन ये अगर ऑन करते हो कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन तो आप जो कम्युनिटी है वो कंट्रीब्यूट कर पाएगा आपका सबटाइटल एडिट कर पाएगा या कुछ भी आप कर पाएगा ठीक है तो इस तरह से आप कर सकते हो आप परमिशन सेक्शन पे अगर आप चाहोगे सो परमिशन सेक्शन पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आप किसी को एक्सेस भी कर सकते हैं अपने जो यूट्यूब चैनल का किसी अगर कोई मैनेजर है आपका तो आप मैनेजर को ऐड भी कर सकते हैं आपको सिंपली इनवाइट करना है इनवाइट करने के बाद उसका ईमेल और एक्सेस पे आप क्या देना चाहते हो आप मैनेजर देना चाहते हो उसको या एडिटर देना चाहते हो व्यूअर देना चाहते हो या मतलब जो आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हो मैनेजर अगर आप रखते हो तो वो क्या कर सकता है आपका वीडियो को ऐड कर सकता है रिमूव कर सकता है एडिट कर सकता है कुछ भी चीज़ रिलेटेड टू चैनल लेकिन वो डिलीट नहीं कर सकता आपका चैनल ओके एडिटर कैसा कर सकता है कैन एडिट एवरीथिंग जो भी चैनल में आपका सब कुछ है सब एडिट कर सकता है कैन ऐड और रिमूव अदर्स डिलीट वीडियोस और दिस चैनल और एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट तो वो आपका वीडियोस भी डिलीट कर सकता है चैनल्स भी डिलीट कर सकता है ओके व्यूअर्स क्या करता है कैन सी एवरीथिंग कांट एडिट एनीथिंग व्यूअर अगर आप व्यूअर करते हो किसी को तो आपका जितना भी YouTube चैनल है सब देख सकता है लेकिन कुछ भी कर नहीं सकता है और व्यूअर लिमिटेड में क्या होता है कैन सी एवरीथिंग एक्सेप्ट रेवेन्यू इन्फॉर्मेशन कांट एडिट एनीथिंग व्यूअर्स लिमिटेड में क्या होता है सपोज अगर आप एक व्यूअर्स हैं मैं अगर आपको इनवाइट कर सकता हूँ आप मेरे यूट्यूब चैनल सब कुछ देख सकते हैं क्या क्या वीडियोज़ हैं लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते हैं तो इस तरह से आप एक्सेस भी कर सकते हो ओके उसके बाद कम्युनिटी पे अगर आप जाते हो तो यहाँ पर आप किसी को आप मॉडरेटर्स अप्रूव्ड यूज़र सीडन यूज़र यहाँ पर आप डाल सकते हो ओके तो उसका चैनल का URL भी आपको डालना पड़ेगा यहाँ पर तो ये हो जाएगा ओके तो ये था कुछ सेटिंग्स का पार्ट और जैसे मैंने आपको बताया कि
अच्छा देखिए यहाँ पर क्रिएटर स्टूडियो क्लासिक अभी आप देख पा रहे हैं क्रिएटर स्टूडियो क्लासिक, बट कुछ दिनों के बाद ये टैब भी हट जाएगा, सो क्रिएटर स्टूडियो क्लासिक पे भी आप नहीं जा पाओगे। तो ये और डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट कुछ दिन रहेगा, उसके बाद जब सब कुछ आ जाएगा यूट्यूब स्टूडियो बीटा पे, तो कुछ जैसे कुछ कुछ अभी भी है जो कि रीडायरेक्ट हो जाता है स्टूडियो क्लासिक पे, तो वो जब टोटली सब कुछ इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा स्टूडियो बीटा पे, तो स्टूडियो क्लासिक बंद हो जाएगा। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि स्टूडियो बीटा आप अभी से इस्तेमाल कीजिए, अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। मैंने स्टूडियो सो बस यही था, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने से प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब डेफिनेटली कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।